तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई अनाउंस कर चुका है इस साल 18 फरवरी को चेन्नई में आईपीएल का ऑक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि शाम 3 बजे शुरू होगा। और अब उसी ऑक्शन के लिए मिचेल स्टार्क ने अपने आप को ऑक्शन से दूर कर लिया है, ऑक्शन से नाम बाहर कर लिया है। और अब मिचेल स्टार्क के बाहर होने पर यहाँ पर 5 तेज गेंदबाजों के नाम सामने निकल कर आए, जो कि मिचेल स्टार्क को इस ऑक्शन में रिप्लेस करेंगे। उनकी जगह ये बॉलर्स हमें टीमों की तरफ से टारगेट किए जाते हुए दिखेंगे। इन्हीं बॉलर्स के पीछे काफी सारी टीमें रहेगी। मैं इस वीडियो में आपको उन सभी तेज गेंदबाजों के नाम बताऊंगा जो कि इस ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करेंगे। मिचेल स्टार्क की जगह अब पंजाब आरसीबी राजस्थान रॉयल्स एमआई की टीम इन गेंदबाजों को टारगेट करेगी। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो 5 तेज गेंदबाज ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करेंगे, या फिर टीमें इन 5 तेज गेंदबाजों को टारगेट करेगी, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है जे रिचर्डसन का। दरअसल बिग बैश लीग के सीजन में जे रिचर्डसन का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। इस सीजन में सबसे अधिक इन्होंने विकेट लिए। पिछले कुछ सालों से T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ पर अब मिचेल स्टार्क के ऑक्शन से बाहर होने पर हो सकता है जे रिचर्डसन इस ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव बिके, 8 से 10 करोड़ तक इनकी बोली चली जाए। पंजाब की टीम तो कंफर्म रूप से इनको टारगेट करेगी। इसके साथ ही आरसीबी, राजस्थान, एमआई जैसी टीमें भी इनको टारगेट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन का। दरअसल काइल जेमिसन ने भी इस ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दिया है। और इस साल अब मिचेल स्टार्क के बाहर होने पर काइल जेमिसन के पीछे भी काफी सारी टीमें होगी। एमआई की टीम तो इनके पीछे कंफर्म रूप से आएगी, लेकिन पंजाब की टीम को भी तेज गेंदबाज की नीड है, आरसीबी की टीम को भी तेज गेंदबाज की नीड है। इसी वजह से काइल जेमिसन को भी काफी सारी टीमें टारगेट करेगी। तो काइल जेमिसन की भी ऑक्शन में 5-7 करोड़ तक बोली जाना कंफर्म दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्लेयर की, तो तीसरे नंबर पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का। दरअसल पिछले साल ऑक्शन में क्रिस मॉरिस 11.5 करोड़ तक बिके थे। और पिछले साल आरसीबी के लिए गेंद और बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी आरसीबी की टीम ने इनकी हाई प्राइसिंग होने के कारण इनको ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया था, टीम से बाहर कर दिया था। लेकिन अब मिचेल स्टार्क के ऑक्शन से बाहर होने के कारण अब यहाँ पर क्रिस मॉरिस भी इस ऑक्शन में एक बार फिर से 10 से 11 करोड़ में बिकते हुए दिखेंगे, जहाँ पर आरसीबी की टीम दोबारा से इनको टारगेट करेगी। एमआई की टीम कुल्टन नाइल को रिलीज कर चुकी है, एमआई की टीम भी इनको टारगेट करेगी। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब सभी टीम इनको टारगेट करेगी। तो ऑक्शन में एक बार फिर से अब क्रिस मॉरिस काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे, मिचेल स्टार्क को ही रिप्लेस करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्लेयर की, तो चौथे नंबर पर नाम आता है टॉम करन का। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉम करन को रिलीज कर दिया है, लेकिन इस साल मिचेल स्टार्क के ऑक्शन से बाहर होने के कारण अब टॉम करन के पीछे एक बार फिर से काफी सारी टीमें बिडिंग करेगी, स्पेशली राजस्थान रॉयल्स की टीम भी दोबारा से इनके लिए बिडिंग करेगी, इनको टारगेट करेगी। इसके साथ ही एमआई, आरसीबी, पंजाब जैसी टीमें एक बार फिर से इनको टारगेट करेगी। तो मिचेल स्टार्क के बाहर होने के कारण अब टॉम करन एक बार फिर से हमें काफी एक्सपेंसिव बिकते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवे प्लेयर की, तो पांचवे नंबर पर नाम आता है नेथन कुल्टर नाइल का। दरअसल नेथन कुल्टर नाइल भी पिछले ऑक्शन में 8.5 करोड़ में बिके थे, काफी एक्सपेंसिव ये बिके थे। और इस साल भी इनका काफी एक्सपेंसिव बिकना तय दिख रहा है, जहां पर बिग बैश लीग में गेंद के साथ इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। और इस ऑक्शन में तेज गेंदबाजों की कमी होने के कारण और ऑलराउंडर्स की कमी होने के कारण एक बार फिर से एमआई की टीम तो इनको टारगेट करेगी ही, इसके साथ ही आरसीबी, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स सभी टीमें इनको टारगेट करेगी। तो ये 5 प्लेयर्स ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे, और मिचेल स्टार्क के बाहर होने के कारण अब सभी टीमें इनको टारगेट करेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन 5 प्लेयर्स में से आखिर कौन सा प्लेयर सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा, आपकी फेवरेट टीम को इनमें से कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।